दोस्तों आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, आपके दोस्त जब आपको व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते हैं और वो चाहें तो उस बाद उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं, बट उसके बाद आपके लिए जाना काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिर उस बंदे ने आपके पास क्या मैसेज सेंड किया था। और ये आप लोग काफी आसानी से अपने फोन के अंदर ही पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने आप पे कोई भी मैसेज सेंड किया व्हाट्सएप पर और उसके कुछ ही टाइम के बाद उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया, तो एक सेटिंग आपको अपने फोन के अंदर करनी होगी। उस सेटिंग की मदद से आप लोग अपने व्हाट्सएप पर जो ये डिलीट मैसेज है उन सभी डिलीट मैसेज को काफी आसानी से पढ़ सकते हो। तो सिर्फ आपको एक सेटिंग करनी है अपने फोन के अंदर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन कर देनी है। अब देखिए आपको ध्यान से देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, हो सकता है कि आपके फोन के अंदर ये सेटिंग ना मिले। अगर नहीं मिली तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो देखिए आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देगा नोटिफिकेशन, यहाँ से आप इसको क्लिक कीजिए। देन इसके बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। देन इसके बाद देखिए ये सेटिंग आपकी यहाँ से ऑफ होगी, तो क्या करना है आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अगर कोई बंदा आपको मैसेज सेंड करने के बाद उसको डिलीट करता है तो वो मैसेज आपको यहाँ पर दिख जाएगी, उस बंदे ने अभी हमें क्या सेंड किया था। काफी आसानी से आपको यहीं पर चेक करने को मिल जाएगा। तो देखिए सभी फोन के अंदर सेटिंग नहीं है, अगर आपको आपके फोन के अंदर सेटिंग नहीं मिलती तो कमेंट बॉक्स आप जरूर बताएगी कि आपके फोन इस कंपनी का है और आपके फोन के अंदर आपको ये सेटिंग देखने को नहीं मिली, ताकि उसके लिए भी हम कोई अदर वीडियो बना सके। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर करना। दोस्तों फिर मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के।